हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर। तो ये देखिए, नमकीन नमकीन बहुत सारी रेसिपी लेकर आए थे, अब आ जाए हैं कुछ मीठी सी रेसिपी लेकर। तो देखिए, समझ गए ना, सेवैयाँ हैं और थोड़ी मेरी स्टाइल में बनी हुई, थोड़ी कुछ इसमें ट्विस्ट है, थोड़ा तरीका अलग है। आप लोग भी वैसे बनाते होंगे, खाते होंगे सेवई। सेवई तो हर घर की पॉपुलर डिश होती है, मीठे में ज़्यादातर लोगों को सेवैयाँ ही पसंद आती हैं। तो थोड़ा मेरे तरीके से भी देख लीजिए, हो सकता है आप लोग भी बनाते हो, लेकिन इसमें हमने कुछ ट्विस्ट किया है, कुछ बनाने के तरीके में अंतर किया है, कुछ डालने में सामान में अंतर किया है। डाला है वही, लेकिन दूसरे तरीके से डाला है। तो प्लीज़ देख लीजिए, वॉच कर लीजिए पूरा, हो सकता है आप लोगों को पसंद आ जाए ये वाली सेवैयाँ। और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, पुराने हैं तो चैनल को व्यू करें, वीडियो देख लें और आके लाइक कमेंट करें। तो चलिए आ जाइए मेरी किचन में, आप लोगों के साथ सेवई की रेसिपी शेयर करते हैं, जो बहुत यम्मी रेसिपी है। तो आ जाइए, आप सबका वेलकम है मेरी किचन में। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पर, यदवंशी ब्लॉग 0304 चैनल पर। आज एक नई रेसिपी आप लोगों के साथ फिर शेयर कर रहे हैं और ये आपकी मीठी सी रेसिपी है। बहुत हो गई नमकीन नमकीन रेसिपी, तो सोचा चलिए आज कुछ मीठी सी रेसिपी शेयर कर देते हैं आप लोगों के साथ। तो देख के पता है ना आपको क्या है, सेवैयाँ हैं। तो सेवैयाँ कुछ सबको आती हैं वैसे बनानी, किसको सेवैयाँ नहीं आती बनानी, लेकिन ये सेवैयाँ हम बनाएंगे कुछ अपने तरीके से। हो सकता है बहुत से लोग अलग तरीके से बनाते हो, तो मेरा तरीका भी आप लोग देख लीजिए कि कैसे बनाते हैं सेवैयों को, जो कुछ ज़्यादा इसमें नहीं पड़ेगा। सिंपल सी सेवैयाँ हैं, लेकिन हाँ बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनती हैं। तो चलिए प्रिपरेशन तैयार करते हैं। थोड़ी बहुत तैयारी करके रखी थी, थोड़ी बहुत अभी कर लेते हैं। कढ़ाई चढ़ा दी है, गर्म हो गई है, अब उसमें डालते हैं। देखिए बने रहिए वीडियो पर। तो कढ़ाई देखिए हो गई है गर्म, और अब इसमें डाल देंगे घर का बना हुआ देसी घी। देखिए मेरे घर का घी है, कितना दानेदार। अगर आप लोग बोलोगे तो इसकी रेसिपी आप लोग के साथ शेयर करेंगे। घी की बहुत सिंपल तरीके से घी बनाते हैं हम, बहुत अच्छी और बहुत अच्छी बन जाती है। बिल्कुल सिंपल तरीके से मेरा घी बनता है, और ज़्यादा तामझाम नहीं, फटाक से आप लोग भी बनाना सीख जाओगे अगर बोलेंगे तो, आप लोगों को शेयर करेंगे आप लोगों के साथ। तो अब इसमें ये देखिए 3 इलायची और 2 लौंग वो डाल देंगे इसमें। तो हो गया है, अब इसमें डाल देंगे सेवैयाँ। मेरी वैसे भुनी हुई सेवैयाँ हैं, तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है। कुछ एक सेवैयाँ कच्ची आती हैं तो उनको ज़्यादा भूनना पड़ता है, मेरी भुनी हुई है। आप लोग भी जानते होंगे ना, मार्केट में 2 तरीके से आती हैं, भुनी और एक कच्ची। तो मेरी भुनी हुई तो ज़्यादा भूनने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा डाल के बस घी की इसमें अच्छी से खुशबू आ जाए, बस ज़्यादा नहीं भूनेंगे। बस भून गई, समझिए देखिए। और अब इसमें डालेंगे दूध, और दूध आप अपने हिसाब से डालिए। बहुत से लोग आधा पानी आधा दूध डालते हैं, वैसे भी बनती है, लेकिन इस समय सिर्फ दूध में बना रहे हैं, तो दूध आप अपने हिसाब से डालिए। अगर आपको गाढ़ी चाहिए तो दूध की मात्रा थोड़ा कम रखिए, सेवैयों की मात्रा ज़्यादा, और अगर पतली चाहिए तो दूध की मात्रा ज़्यादा कर दीजिए या सेवई कम कर दीजिए। तो अब इसमें इसको उबाल आने देंगे और बस इतना ही दूध रहेगा, इतने दूध में बहुत परफेक्ट बनेगी। करीब 1-1.5 गिलास दूध था, इतनी सारी सेवैयाँ थी। बता दें, ये कटोरी की मेजरमेंट ले लीजिए, एक कटोरी सेवई थी तो उसमें 2-2.5 कटोरी दूध था, मेजरमेंट आपको बता दिया है। एक कटोरी सेवैयाँ और 2.5 कटोरी दूध। तो इसको उबाल आने देंगे। तो देखिए उबलने लगा, अब इसमें डाल देंगे इसी टाइम पे चीनी। तो चीनी भी अपने हिसाब से, आप बोलेंगे सब कुछ अपने हिसाब से बनाना है तो फिर बता क्या रहे हो। तो अभी चीनी और दूध तो आप अपने हिसाब से डालेंगे ना, आप समझ लीजिए।
बस एक आइडिया दे दे रहे हैं। तो देखा, अब चीनी भी गलेगी तो थोड़ा और पतली हो जाएगी। अब इसमें डाल देंगे थोड़े ड्राई फ्रूट्स। बस सेवैया बन के तैयार है, कुछ ज़्यादा नहीं। ये कसा हुआ इसमें नारियल डालेंगे। आप कभी कसा हुआ नारियल डाल के देखिए कितनी टेस्टी बनती है। और ये काजू कूट के, और ये कूट के बादाम, कट करके नहीं, एक कट करके पड़ता है, कूट के इस तरीके से बना के देखिएगा, थोड़ी डिफरेंस बनेगी। जैसे आप रोज़ बनाते हो ना, उसे अलग बनेगी। बस गैस की फ्लेम को कर देंगे स्लो। बस पूरी तरीके से तैयार है मेरी सेवैयाँ। अब आपको प्लेटिंग करके दिखाते हैं। तो देखिए बनके तैयार है। और सर्विंग करने से पहले इस पर डाल देंगे थोड़ा सा घी। जब ऊपर से देसी घी आप डालेंगे ना सेवैयों में, तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। अगर आपको नहीं पसंद तो आप मत डालिए, लेकिन हाँ एक बार ज़रूर इस तरीके से बना के देखिएगा। और ऐसे ऊपर से देसी घी डाल के देखिएगा। ऊपर से डाल देंगे इसमें कसा हुआ नारियल और थोड़े से काजू। तो यम्मी से सेवैयाँ मेरी तैयार हैं। कैसी लग रही हैं आपको बताइएगा। ये देखिए यम्मी लग रही है ना। तो चलिए फिर मिलते हैं नई रेसिपी के साथ। इसको देखिए, बनाइए, खाइए, फीडबैक में बताइए कैसी बनी थी।